If I recall the education system back in 2000, from 2000 to 2007, 8, 9 तक की बात है ये, तब जो इंडिया से या कहीं और से भी, किसी भी कंट्री से, मान लो कि आप नेपाल ले लो, पाकिस्तान ले लो, बांग्लादेश ले लो, श्रीलंका ले लो, सारे हमारे नेबरिंग कंट्रीज, और इवन लाइक एनीवेयर एल्स फ्रॉम द वर्ल्ड एज वेल, कि जिसको जो पढ़ने आना था, कि किसी को कुकरी लेके आना है, किसी को मैनेजमेंट लेके आना है, किसी को सस्ता कोर्स लेके आना है, किसी को महंगा कोर्स लेके आना है ना, तो वो सारे ऑप्शन दिए जाते थे, एंड यू कैन चूज दैट एंड यू कैन हैव द वीजा फॉर दैट। आपको जीटी लिखना पड़ता था उस टाइम पे, एसओपी बोलते थे, अभी भी एसओपी बोलते हैं, तो एसओपी लिखना था, ये करना था, वो करना था, स्टिल आप यहाँ पे कोई भी कोर्स लेके आ सकते थे सर। नाउ राइट नाउ अब उन्होंने इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ऐसा कर दिया है कि भाई इंडियन स्टूडेंट को मास्टर्स लेके ही आना पड़ेगा, बैचलर्स लेके ही आना पड़ेगा, और वो भी लेवल 1 यूनिवर्सिटी में ही लेके आना पड़ेगा।